मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन केडी सर फ्रॉम शिवम एजुकेशन। आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 तक कर दिया होगा, राइट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.2। नाउ एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 ऑलमोस्ट सेम है, हमको वही ए बी और वाई कैप ढूंढना है, बराबर। लेकिन यहाँ जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी किया था, राइट, जब भी नंबर्स बड़े होते हैं, जब भी नंबर्स कुछ 100 के आसपास, 100 से नंबर ज़्यादा बड़े होते हैं, तब हम उसका शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। शॉर्टकट मेथड इज नथिंग बट टू मेक द स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन इजी। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्टडी टू नो द इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर ऑन द यील्ड ऑफ कॉटन। फर्टिलाइजर का क्या इफेक्ट हुआ कॉटन के प्रोडक्शन में, राइट। तो एक्स लेंगे कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर, दैट इज पर 10 केजी, और यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टर लेंगे, दैट इज क्विंटल्स में वाई, राइट। तो हमको चार्ट दिया, टेबल दिया हुआ है, वी हैव टू जस्ट ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एस्टिमेट द यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टर इफ द 300 केजी फर्टिलाइजर इज इश्यूड, राइट। अगर 300 केजी, अगर एक्स 300 केजी रखा तो वाई का क्या वैल्यू आएगा, वो एस्टिमेट होगा। हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बना के रखा है, एक्स और वाई, बराबर। एक्स हमने कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर, दैट इज 10 केजी के हिसाब से लिया है, और यहाँ पे लिख देते हैं 10 केजी, राइट। और वाई लिया है पर हेक्टर, दैट इज यील्ड ऑफ कॉटन। अब एक्स और वाई ढूंढने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स बार ढूंढेंगे, राइट। दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स upon n, right, that is 177 upon 78, right, 25.28, or y bar is equal to sigma y upon n, that is 830 upon 7. तो ये x bar और y bar हमें मिलता है। Now ये x bar और y bar से हमको पता चल जाता है कि हमको कौन सा formula use करना है। यहाँ भी x या y में कभी भी 100 से ऊपर कोई number आता है तो शॉर्टकट मेथड यूज करना है, याद रखना, ओके। सो इंस्टेड ऑफ एक्स वाई वी विल यूज यू एंड वी। रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी इज इक्वल टू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू। अब हमें ये पता चल जाएगा, एक तो हमको यू भी ढूंढना है और यू स्क्वायर ढूंढना है, राइट। तो चलो पहले यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए लेते हैं, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और वी इज इक्वल टू वाई माइनस बी, राइट। आप लोग भी टेबल बना दीजिए, हमने टेबल तैयार कर दिया है, राइट। ए इज इक्वल टू हमने 25 लिया है, ए और बी का वैल्यू कैसे लेना है ये फिर से बता देता हूँ, राइट। आप देखिए स्मॉलेस्ट नंबर देखिए और बिगेस्ट नंबर देखिए, उसमें से बीच वाला कोई भी एवरेज नंबर आप ले सकते हैं। आप ए इज इक्वल टू कुछ भी लेंगे आपको आंसर तो आएगा ही, राइट। बी भी वैसा ही है, एवरेज मिडल वाला सेंटर वाला नंबर लेना है सो देट आपको उसका कैलकुलेशन सही बैठे, राइट। तो हमने यहाँ पे ये 25 और बी 115 लिया है, 28 में से 25 गया तो 3, 35 में से 25 गया तो 10, 25 में से 25 गया तो 0, 24 में से 25 गया तो माइनस 1, 20 में से 25 गया तो माइनस 5, 25 में से 25 गया तो 0, और 20 में से 25 गया तो माइनस 5। वैसे ही हम लोग यू वाई का देखिए तो 128 माइनस 115 13 आएगा, 140 115 तो 25 आएगा, 115 में से 115 नहीं जाएगा तो 0, 120 में से 115 जाएगा तो प्लस 5, 105 में से 115 तो माइनस 10, 122 में से 115 जाएगा तो 7, 100 में से 115 जाएगा तो माइनस 15। अगर आप सिग्मा यू और सिग्मा बी करेंगे तो देखिए 2 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे 25। आई होप आप लोगों ने भी कैलकुलेशन कर दिया होगा, राइट। अब यू और वी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 3 39, 10 25 250, 0 का 0, माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5, माइनस 5 टू माइनस 10 प्लस हो जाएगा, दैट इज 50, 0 इंटू 7 0, माइनस 5 इंटू माइनस 15 दैट इज प्लस 75। और वैसे ही अभी यू का हमको स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 0 का 0, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25, 0 का 0, माइनस 5 का स्क्वायर 25। सिग्मा यू स्क्वायर कर लीजिए, सिग्मा और यू वी भी कर लीजिए, राइट। और फिर उसके बाद इसको हम लोग फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, राइट, और ये इसका वैल्यू डालते हैं, चलिए दैट इज 7, यू वी आएगा 409 माइनस
सिग्मा यू आएगा 2 और वी आएगा 25 अपॉन एन 7 सिग्मा यू स्क्वायर आएगा 160 माइनस सिग्मा यू आएगा दैट इज 2 का होल स्क्वायर। ओके अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। मोहित जी 1216 का आएगा 2.52 दैट इज बी इज इक्वल टू 2.52 एंड 7 माइनस 7308 राइट दिस इज ए। ओके ए प्लस बी एक्स ये हमारा आया 54.84 प्लस बी आया 2.52 और ये एक्स दैट इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन लाइन एक्स। ओके दिस इज आवर आंसर। नाउ अब एस्टिमेट वैल्यू ढूंढना है। एस्टिमेट वैल्यू है ना फॉर एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है 300 के जी दिया लेकिन यहाँ पे तो 10 के हिसाब से दिया है देयरफॉर वी विल टेक एक्स इज इक्वल टू 30 वाई कैप इज इक्वल टू 54.84 प्लस 2.52 इनटू 30 दैट इज कैप इज इक्वल टू 134.44 दैट इज हियर द यील्ड ऑफ कॉटन इज 130.44 क्विंटल पर हेक्टर बस ये लिखना है। ओके सो दिस इज परफेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ राइट। बी ढूंढो फिर उसके बाद ए फिर उसके बाद वाई कैप में वैल्यू डालो ये हमारा पहला आंसर होगा राइट। यहाँ पे देखिए ये है आपका पहला आंसर फिर उसके बाद आपको एक्स का वैल्यू डाल के वाई का एस्टिमेट होना है। ओके नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट्स ऑफ फादर एंड सन्स ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ हाइट ऑफ सन ऑन द हाइट ऑफ द फादर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ 8 पेयर्स ऑफ फादर्स एंड एडल्ट सन्स राइट। नाउ हाइट ऑफ फादर दिया है दैट वी विल टेक एक्स और हाइट ऑफ सन दैट वी विल टेक वाई। तो ये जो टेबल दिया है वो टेबल हम बना देंगे और फिर एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ सन ऑफ हुज फादर हाइट इज 170 सेंटीमीटर राइट। फादर सन का यहाँ पे रिलेशनशिप दिया है हाइट वाला राइट। तो लास्ट में हमको दूसरा क्वेश्चन ये दिया है कि एस्टिमेट द हाइट ऑफ द सन हुज फादर्स हाइट इज 170 सेंटीमीटर एक्स का वैल्यू दिया है वाई का फाइंड करना है राइट। नाउ लेट्स मेक द टेबल। हम लोगों ने ये टेबल बना दिया है जैसा मालूम है पहला स्टेप रहेगा हमारा x बार का। लेट्स मेक द लेट्स फाइंड आउट x बार। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n दैट इज 1346 अपॉन 8 दैट इज राइट। वैसे ही सेकंड वाला y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n That is 1338 upon 8, right? 1338 divided by 8. That is 167.25. Right? देखिए decimal वाला है तो हमको क्या करना है b find करना है that is regression coefficient. B is equal to n sigma u v sigma u sigma v upon n sigma u square minus sigma u का whole square right। अब इसके मुताबिक हम लोग टेबल बना लेते हैं आप भी बना लीजिए right। Let's make the table। Now हमने टेबल प्रिपेयर कर लिया है। a is equal to हमने 168 लिया है और b is equal to 167 right। Smallest और biggest number देख के उसका बीच में कोई भी number आप ले लो average वाला right। तो 167 माइनस 168 विल बी माइनस 1 169 माइनस 168 विल बी प्लस 1
171 minus 168 will be plus 3. 168 minus 168 0. 173 minus 168 will be plus 5. 166 minus 168 minus 2. 167 minus 168 minus 1. 165 minus 168 will be minus 3. इसका अगर हम टोटल करेंगे तो प्लस 2 आएगा. वैसे ही v is equal to y minus b में b is equal to हमने 167 लिया है तो 158 minus 167 will be minus 9. 170 minus 167 will be 3. 169 minus 167 2 हो जाएगा. 172 minus 167 plus 5 रहेगा. 170 minus 167 that will be plus 3. 168 minus 167 will be plus 1. 164 minus 167 आएगा minus 3 because छोटा नंबर है. 167 minus 167 0. इसका अगर हम टोटल करेंगे तो 2 आएगा. Now you have to multiply u and v, right? That is minus 1 into minus 9. Minus minus plus हो जाएगा. Plus 9 आएगा. 1 3 is a 3, 3 2 is a 6, 0 into pi 0. 5 3 is a 15, minus 2 into 1 minus 2. Minus 1 into minus 3 plus 3. Minus 3 into 0 will be 0. इसका टोटल कीजिए 34 आएगा. और u square का square कर दीजिए. Minus 1 का square 1, 1 का square 1, 3 का square 9, 0 का square 0. 5 का square 25, minus 2 का square 4, minus 1 का 1 और minus 3 का आएगा square 9. This will give plus 50. Okay. अब इसका value हम लोग b में डालेंगे. चलिए. अब b is equal to n a 8. Sigma u v है 34. Minus 2 a 2 upon u square हैगा 8 to 50. Minus sigma u का क्या हो जाएगा 2 का square that is 4. Right. तो 32 1 324 327 4 400 minus 4 that will give 268 upon 396, right? इसको डिवाइड कर देते 0.68. ओके अब ए का वैल्यू डाल देते हैं. चलो A is equal to y bar minus b x bar. That is y bar क्या आ जाएगा 167.25 minus x 0.68 और x bar आएगा 168.25. Right? इसका वैल्यू निकाल दीजिए आप. इस A is equal to हमारा ये A का वैल्यू मिल गया. अब हमको क्या करना है रिग्रेशन लाइन. रिग्रेशन line of y on x that is y cap is equal to a plus bx that is y cap is equal to right. ये हमारा regression line. This is the thing. अब हमको क्या करना है estimate ढूंढना है. For x is equal to 170 centimeter. Father का कितना है 170 centimeter. तो y का value ढूंढना है right. तो y cap is equal to a कितना है 52.84 plus 0.68 और 170. आराम से इसको सॉल्व करो राइट. 52.84 प्लस 115.6 दैट इज y cap is equal to so the height of the sun is of the sun is 168.44 centimeter. Okay, that's your answer. Right? I hope you got it. Now question number 3. From the following information of altitude and the amount of effective oxygen in the air at the place, obtain the regression line of amount of effective oxygen y on the altitude x. 305 meter is equal to equivalent to 1000 feet. Barabar. Now altitude or effective oxygen ka humko diya hua hai. Ab ye isko rakhke humko kya lagna hai? Humko line of regression find out karna hai. Fir uske baad humko if the altitude of the place iska estimate value find karna hai is 7 units. That is 1 unit is equal to 305 meter. So 7 units ka
हमको परसेंटेज ढूंढना है, दैट इज वाई का एस्टिमेट ढूंढना है, राइट। नाउ लेट्स फाइंड, अब हमने टेबल बना दिया है एक्स और वाई का। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका एक्स बार और वाई बार ढूंढेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, दैट इज 21 अपॉन 7, दैट इज 3, राइट। वाई बार इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो डेसिमल में वाई दिया है, तो हम लोग को ये दोनों कॉन्स्टेंट सी ऑफ एक्स और सी ऑफ वाई यहाँ पे लेना है, राइट। सी ऑफ एक्स तो हम लोग जो है 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको जरूरत नहीं है, लेकिन सी ऑफ वाई जो है हमको 0.1 लेना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल में दिया है। और सी ऑफ एक्स इसलिए 1 लेंगे क्योंकि दोनों के देखो ये जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो 1 का है, राइट। तो दैट इज वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन इज इक्वल टू दैट इज 130.1 अपॉन 7, दैट यू विल गेट 18.59, राइट। ये हो गया एक्स बार और वाई बार। तो यहां पे लिख देते हैं सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, सी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0.1, दैट इज 1/10, ओके। चलो अब हम लोग का बी का वैल्यू है, वापस बी इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर इनटू सी ऑफ वाई अपॉन सी ऑफ एक्स, राइट। अब आप टेबल बना लीजिए, राइट, वैल्यू डाल दीजिए, जैसा हम लोग ये दो सम किया वैसे यू का, लेकिन आपको यहाँ पे ए और सी ऑफ एक्स लेना है, यहाँ पे बी और सी ऑफ वाई लेना है, राइट। लेट्स स्टार्ट, ओके। नाउ इसका वैल्यू पुट करते हैं, चलिए दैट इज कितना है 7 सिग्मा यू वी माइनस 200, यहाँ सिग्मा यू जो है 0 है, तो 0 के साथ कुछ भी होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एन सिग्मा यू का होल स्क्वायर दैट इज 7, सिग्मा यू स्क्वायर है 28 माइनस सिग्मा यू का स्क्वायर दैट इज 0 का स्क्वायर, ओके, दैट इज माइनस 1400 माइनस 0 7 इट्स 56.5, राइट, 196। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 1400 को 196 से इनटू 1/10 डालना था, दैट इज ये डालना था, फिर ये आएगा 7.1 माइनस 7.1 इनटू 1/10 दैट इज माइनस 0.71, राइट। बी इज इक्वल टू वैल्यू मिल गया। अब हमको क्या करना है ए का, तो ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, दैट इज वाई बार क्या है हमारा 18.59 माइनस 0.71 और एक्स बार है हमारा 3, राइट, दैट इज 18.59 प्लस 213, दैट इज ए इज इक्वल टू। अब हमको क्या करना है, द रिग्रेशन लाइन, वाई ऑन लाइन एक्स इक्वल टू वाई कैप इक्वल टू ए कितना है, ए प्लस बी एक्स, दैट इज वाई कैप इज इक्वल टू 20.72 प्लस बी कितना है, एक्स, राइट, दैट विल बिकम वाई कैप इज इक्वल टू माइनस, दिस इज योर आंसर, राइट। तो ये वाई कैप का हमारा आएगा 20.72 माइनस 0.7 एक्स। नाउ एस्टिमेट ढूंढना है, तो एस्टिमेट फॉर x इज इक्वल टू कितना दिया है, और x इज इक्वल टू 7, राइट, तो y कैप इज इक्वल टू 20.72 माइनस 0.71 ये 7,
that is y cap is equal to 20.72 minus 4.97, that is y cap is equal to right, that is the number. Therefore the percentage of effective oxygen is is 15.75, right? Now question number 3 over. Now let's do question number 4. Okay, now question number 4. The following information is obtained to study the relation between the carpet area in a house and its monthly rent in city. Right, carpet area दिया है, monthly rent दिया है, तो इसका हमको regression line ढूंढना है, फिर इसके बाद उसका हमको estimate value ढूंढना है, जब x का value 110 square meter दिया है, right? Let's start. Already हमने इसका table बना के रखा है, और उसका total भी बना लिया है, अब हमको खाली x bar और y bar ढूंढना है. So then हमें पता चले क्या formula और कितना हमको constant cx और cy लेना है, right? अब ये देखिए x bar is equal to सिग्मा x अपॉन n, दैट इज राइट. अब यहाँ पे हम लोग c ऑफ x क्या लेंगे, ओके okay, यहाँ पे हम लोग c ऑफ x ले लेंगे 5. यहाँ पे हम c ऑफ x इसलिए 5 लेंगे क्योंकि देखो 55, 60, 75, 80, 5 का अगर कुछ भी आता है तो आप 5 लोगे, अगर सारे 0 आते हैं तो हम 10 डिजिट लेते हैं, राइट. लेकिन यहाँ पे लिया है और अब वैसे ही हम लोग y बार ढूंढेंगे, that is sigma y upon n, that is 182,000 upon 7, 26,000, right? और यहाँ cy लेंगे क्योंकि 3 0 दिख रहा है तो 1,000 ले लेंगे, right? अब आपको पता है u is equal to x minus a upon c of x, v is equal to y minus b upon c of y. अब ये इज इक्वल टू क्या लेंगे, b इज इक्वल टू क्या लेंगे, वो वैल्यू डाल के आप फटाफट टेबल बना दीजिए, राइट. और इसका b का वैल्यू हम लोग को फॉर्मूला है b इज इक्वल टू n सिग्मा uv सिग्मा u सिग्मा b अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर सिग्मा u होल स्क्वायर इनटू c ऑफ y c ऑफ x, राइट. ये फॉर्मूला लगाते ही हमको ये वाला यू वी और यू वी और यू स्क्वायर फाइंड करने में इजी रहेगा, राइट. चलो लेट्स डू इट. हम लोग ने टेबल बना लिया है, ये इज इक्वल टू अगर हम 90 लेते हैं तो x माइनस 90 अपॉन सी ऑफ एक्स लेंगे, सी ऑफ एक्स हमने 5 बोला था, राइट. वैसे ही y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 26,000 लेते हैं तो y माइनस b अपॉन सी ऑफ 5 और सी ऑफ फाइव हम लेंगे 1,000, सो देट आपके 3 0 आराम से कट हो जाए, राइट. अब अगर आप देखेंगे तो 55 माइनस 90 अपॉन 5, ये अगर करेंगे तो माइनस 7 आएगा, 60 माइनस 90 अपॉन 5 माइनस 6 आएगा, 75 माइनस 90 अपॉन 5 माइनस 3 आएगा, 80 माइनस 90 अपॉन 5 तो माइनस 2, 100 माइनस 90 अपॉन 5 दैट इज 2, 120 से अगर माइनस 90 करते हैं तो 6 और 140 माइनस 90 अपॉन 5 क्या हो जाएगा, 10 आएगा. वैसे ही अगर हम देखिए 18,000 माइनस 26,000 अपॉन 1,000 करेंगे तो माइनस 8, 19,000 माइनस 26,000 अपॉन 1,000 करेंगे तो 12 माइनस 7, 20,000 से करेंगे तो माइनस 6 और 20,000 का वैल्यू डालेंगे तो माइनस 6, 25,000 का वैल्यू डालेंगे तो माइनस 1, 30,000 माइनस 26,000 अपॉन 1,000 करेंगे तो 4, 50,000 माइनस 26,000 अपॉन 1,000 करेंगे तो 24. ये दोनों का अगर हम सिग्मा यू और सिग्मा वी फाइंड करेंगे तो 0 0 आएगा, फिर उसके बाद यू और वी को मल्टीप्लाई कर देने का है, राइट. दैट इज माइनस 7 माइनस 8 दैट इज 56, 6 7 इज 42, माइनस 3 माइनस 6 18, 2 6 इज 12, 2 1 इज माइनस 2, 6 4 इज 24, 10 24 इज 240. वैसे ही अगर हम स्क्वायर करेंगे, माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 49, माइनस 6 स्क्वायर हमेशा प्लस में रहता है, माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100. अब ये सारा हम वैल्यू पुट करते हैं, चलिए दैट इज 7,
सिग्मा यूवी है 390 माइनस ये हो जाएगा 0 0 अपॉन एन मतलब 7 सिग्मा यू का स्क्वायर। सिग्मा यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 238 और ये हो जाएगा 0 राइट। दैट इज 7 का टू सेवन थ्री जीरो अपॉन सेवन टू 238 1666। अच्छा इन टू ये वाला तो हमने कर छोड़ा है, सी ऑफ वाई इन टू सी ऑफ वाई और सी ऑफ एक्स दैट इज 1000 अपॉन 5 दैट इज 1000 अपॉन 5 राइट। तो अब ये इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये राइट ये है। अब हम लोग को इसका ये का वैल्यू पुट करते हैं। चलिए ये इज इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार दैट इज y बार कितना है 26000 माइनस 73 इंटू 4 इंटू x बार कितना है 90 इसको 29495 ना। इसका वैल्यू हम लोग y कैप में पुट करते हैं दैट इज रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x राइट। दैट इज y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स दैट इज y कैप इज इक्वल टू a क्या आया माइनस 3495.7 प्लस b क्या है 327.73x राइट। ये आपका आंसर x अच्छी तरह लिखो ओके दिस इज आवर आंसर। अब एस्टिमेट वैल्यू एस्टिमेट ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू कितना दिया है व्हेन x इज इक्वल टू 110 चलो तो y कैप इज इक्वल टू माइनस 3495.7 प्लस 327.73 200 दी मंथली रेंट क्या होगा मंथली रेंट विल बी 3254.60 राइट ओके आई होप यू गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 द फॉलोइंग सैंपल डेटा इज ऑब्टेन टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिटिंग अ मॉल पर डे एंड द सेल्स दैट इज 10000 रुपीस के यूनिट्स राइट। तो टेबल दिया हुआ नंबर ऑफ कस्टमर और सेल्स का। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x और एस्टिमेट द सेल्स ऑफ अ मॉल इफ 80 कस्टमर्स हैव विजिटेड द मॉल ऑन ए पर्टिकुलर। तो एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करना और रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x फाइंड करना है राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने टेबल बना दिया है x और y का। अब हम क्या करेंगे इसका x बार और y बार ढूंढेंगे अपॉन n दैट इज 560 अपॉन 6 और हम लोग c of x क्या लेंगे 10 ले लेते हैं। y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n दैट इज 14.4 अपॉन 6 और c of y भी हम लोग क्या करना पड़ेगा हमको 0.1 क्योंकि एक डेसिमल दिया हुआ है राइट। अब हमें फॉर्मूला ले लेते हैं b इज इक्वल टू रिग्रेशन लाइन का n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स अपॉन होल स्क्वायर राइट। लेट्स सी हम लोग यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एफ एक्स ए इज इक्वल टू 90 लिया है बी इज इक्वल टू 2.4 लिया है। अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो 50 माइनस 90 अपॉन सी एफ एक्स हमने क्या लिया 10 लिया तो उसको डिवाइड कर माइनस 4 आएगा 70 से माइनस 90 अपॉन
10 करोगे तो माइनस 2, 100 माइनस 90 अपॉन 10 करोगे तो 170 माइनस 90 अपॉन 10 करोगे तो माइनस 2, 150 माइनस 90 अपॉन 10 करोगे तो 6, 120 माइनस 90 अपॉन 10 करोगे तो 3 आएगा, इसका टोटल करोगे तो प्लस 2 आएगा। वैसे ही अगर हम b इक्वल टू 2.4 लेंगे तो देखिए 2 माइनस 2.4 अपॉन 0.1 लेना है क्योंकि डेसिमल आया है, तो माइनस 4, 2 माइनस 2.4 वापस माइनस 4 आएगा, 2.5 से अगर करेंगे तो 1 आएगा, 1.4 से माइनस 2.4 डिवाइडेड बाय 0.1 करोगे तो माइनस 10, 4 से माइनस 2.4 अपॉन 0.1 करोगे तो 16, और 2.5 से 2.4 माइनस करके फिर 1 करोगे तो आएगा 1, राइट। अब UV करेंगे, UV में देखिए माइनस 4 प्लस हो जाएगा 16, 2 4 जा 8, 1 1 जा 1, 2 10 जा 20, 6 16 जा 96, 3 1 जा 3। वैसे ही यूज का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4, 1, फिर 2 का माइनस 2 का 4, 6 का 36 और 3 का 9। अब इसका वैल्यू डालते हैं, चलिए अब वैल्यू डाले तो इज इक्वल टू एन कितना है 6, सिग्मा यू वी क्या है 144, ये माइनस ये 2 लेकिन ये 0 है, अपॉन एन 6, सिग्मा यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, राइट, इन टू ये सी ऑफ आई क्या हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 10, दैट इज अपॉन 420 में से 4 जाएगा तो 416 इंटू ये हो जाएगा 1/100, दैट इज 864 डिवाइडेड बाय 416.02, राइट। अब इसका a का वैल्यू डाल देते हैं, बार माइनस बी एक्स बार, दैट इज 2.4 माइनस 0.02, एक्स बार क्या है 93.33, राइट, दैट इज ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0.53, राइट, ए 0.02 और ये 0.1। नाउ वाई कैप हमको ढूंढना है, चलो वाई कैप ढूंढते हैं, तो वाई कैप दैट इज रिग्रेशन लाइन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, राइट, ए प्लस बी एक्स, वाई कैप इज इक्वल टू ये आपका आया 0.53 प्लस 0.02 एक्स, ये आपका आंसर। नाउ फॉर एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है वैल्यू 18, वाई इज इक्वल टू हाउ मच, तो वाई कैप इज इक्वल टू 0.53 प्लस 0.02 into 18, that is 0.53 therefore number of customer visited the mall is number of customers visited the mall is 2.13 in 2000. Today we are going to do till question number 5, right? So that जो next video में हम लोग बाकी के चार सम सॉल्व कर लेंगे। ये सारे टेबल वाले थे इसलिए हमने पहले इसमें एक वीडियो में, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाता है, राइट, इसलिए फर्स्ट पहले ये पांच का आप सॉल्व कर दीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वी विल सॉल्व द रेस्ट ऑफ देम, राइट, ओके। तो प्लीज डू द सम, प्लीज प्रैक्टिस द सम, और कुछ भी आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारा मेथड अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करो, और सबसे बड़ी बात मुझे सबको थैंक यू बोलना है क्योंकि वी हैव अचीव्ड 1000 सब्सक्राइबर बिकॉज ऑफ यू ऑल, राइट, सो थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, ओके, चलो बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।